अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। गाइस, आप सबको पता ही है कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, अभी फास्टिंग का महीना शुरू हो गया है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फास्टिंग से, रोज़ा रखने से हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमारी बॉडी कैसे रिस्टोर होती है, कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं माह रमज़ान के, फास्टिंग के, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। गाइस, अगर हम माह रमज़ान की बात करें, एज़ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम केसेस ऑफ डेथ जो होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे खाने, हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं। गाइस, मैक्सिमम केसेस इसी बहाने से होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा खाना सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज में चीटिंग करते हैं या एक्सरसाइज बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। इस वजह से हमारी जो हार्ट है वो हेल्दी नहीं रहता है, हमारा इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी नहीं रहते हैं। वैस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माह रमज़ान में रोज़ा रखने से हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमारी बॉडी कितनी फिट रहती है। वैस अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि उनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों का हाई रहता है, कई लोगों का लो रहता है। सो गाइज़, अगर हम फास्टिंग करें तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पहले ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर चेक होने से क्या होता है कि डॉक्टर को अंदाज़ा लगा सकता है कि आप हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, तो डायग्नोज हो जाता है हमारे ब्लड प्रेशर से। सो ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, फास्टिंग हमें हेल्प करती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। और दूसरा क्या है कि अगर खुदा ना खास्त आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, आपको जैसे काफ़ी सारे लोगों को डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आपका एक स्ट्रोक आ गया है, अभी अगर आपका दूसरा स्ट्रोक आ जाएगा तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी, आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, आपको हार्ट अटैक आने का चांस है। तो गाइस, इस चांस को मिनिमाइज़ करने के लिए, इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे रिसर्च, काफ़ी सारे डॉक्टरों की ये कहना है कि अगर हम फास्टिंग रखेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन वो सही रहती है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक ट्राइग्लिसराइड होता है, एक फैट जो कि हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, उसकी लेवल को मेंटेन रखने, उसकी लेवल को कम करने के लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि अगर हम बोलें कि एक हेल्दी हार्ट पाने के लिए हमें फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कई लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है तो अगर वो फास्टिंग रखेंगे, रोज़ा रखेंगे तो उनको काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिल सकता है। और अगर तीसरी बात हम करें कि कैंसर की, अगर हम देखें कि काफ़ी सारे लोग को कैंसर की बीमारी लग चुकी है या कुछ लोग इस वजह से इस दुनिया से चले भी गए हैं, तो अगर हम देखें कि फास्टिंग से क्या होता है कि काफ़ी सारे डॉक्टरों ने ये चीज़ डिक्लेयर की है कि फास्टिंग करने से हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर हैं वो एक जरासीम होता है, वो ख़त्म होने में फास्टिंग हमें हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर खुदा न खास कैंसर की बीमारी है तो उसको कम करने के लिए, उसे नजात पाने के लिए फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, जबकि हर इंसान को करना चाहिए, खासकर मुसलमान माह रमज़ान में नीतियों के साथ साथ हमारी जो हेल्थ हैं उसके कितने बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्लीनर के जो हमारी बॉडी है, क्लीनिंग प्रोसेस होती है माह रमज़ान में फास्टिंग में हमारी बॉडी के अंदर। गाइस, अगर हम देखें कि पूरा साल हम खाते रहते हैं, पूरा साल हम एक टाइम भी अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं, तो रेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जब हमारी बॉडी को रेस्ट मिलेगा तभी हमारी बॉडी को क्या है कि रिपेयरिंग के लिए टाइम मिलेगा। गाइस, माह रमज़ान में क्या होता है कि हम 8 घंटे, 9 घंटे, 10-16 घंटे हम फास्ट रखते हैं, भूखे रहते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनको टाइम मिलता है रिपेयरिंग के लिए। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वीक सेल्स होते हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए टाइम मिलता है। हमारा स्टमक, इसको कितना ज़्यादा लोड पड़ता है, उसको रिपेयरिंग के लिए टाइम मिलता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाते हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए टाइम मिलता है। तो गाइस, ओवरऑल अगर हम देखें कि फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और एक चीज़ जो हम इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे जो कि इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, वो हमारी बॉडी में एक सोल्जर का काम करती है, हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाली जो बीमारियाँ हैं, जो भी जरासीम होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको उनसे उनके साथ वो लड़के हमें प्रोटेक्ट करता है इन सब बीमारियों से। सो इम्यून सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है फास्टिंग करने से। अगर हम बात करें इसके बाद जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारी सर की ओर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कम, अगर हम देखें कि जिम में अगर हम जाते हैं तो जिम में हम हेडलॉन्ग करते हैं, तो उससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की ओर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, काफ़ी सारी इतनी सारी बिजी लाइफ हैं, सारे लोग स्टैंडिंग रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, तो सर की ओर ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम जाती है। तो माह रमज़ान में क्या होता है कि हम
तरावी पढ़ते हैं। तरावी में क्या होता है कि इस हमें 30 रकात पढ़नी पड़ती हैं, 30 रकात में हमें ज़्यादा सजदे करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा सजदे करने से क्या होता है कि हमारे सर की ओर ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारे माइंड एक्टिव हो जाता है, हमारे ब्लड हमारे सर के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं माह रमज़ान के, कितने सारे बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, अगर हम फास्टिंग करेंगे तो हमारी क्या होता है कि हमारी बॉडी रिस्टोर होती है। जैसे अगर हम अपने फ़ोन को ले लें, फ़ोन में जब हमारे वायरस बढ़ जाता है या फिर फ़ोन हैंग होने लगता है, तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा होते हैं, तो फिर हमारी बॉडी फंक्शन स्मूथ फंक्शन नहीं करती है। उसके लिए हमें माह रमज़ान में उसके लिए हमें फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो डिटॉक्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी होती है वो क्लीन हो जाती हैं और हमें एक फ्रेश और न्यू सेल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि ताकि आप सबको पता चले कि माह रमज़ान में फास्टिंग से हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो हमें सवाब भी मिलते हैं, नेकियों का दर्जा ज़्यादा दर्जा मिलता है, और ऊपर से हमारी जो हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा मेंटेन रहती है, वो रिफ्रेश हो जाती है हमारी बॉडी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे फिटनेस रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो गाइस, काफ़ी सारे फ्रेंड्स की या मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट हैं कि रमज़ान में हम कौन से टाइम एक्सरसाइज करें या डाइट प्लान, वो सब हमें बताएं। तो अगर हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज और जो आपकी जो डाइट प्लान है वो शेयर करूंगा कि कौन से टाइम आपको क्या लेना चाहिए, जिससे आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, आपकी फिजिक आपका मसल लॉस नहीं होगा और आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप मिलेगी। थैंक यू।